फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 शुरू होने में अभी काफ़ी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्दी शुरू होने वाली है। और इस ऑक्शन से पहले करंटली बीसीसीआई की तरफ से तीन बड़े अपडेट आ चुके हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की ऑक्शन की डेट लगभग घोषित कर दी है और भी काफ़ी सारे बदलाव कर दिए इस ऑक्शन को लेकर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आखिर क्या बीसीसीआई ने अपडेट्स दिए हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन को लेकर। ये सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन, तो नीचे का ही लाइक का बटन दोगे उसको जरूर दबा दें और हमारे चैनल को जरूर कर दें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, बीसीसीआई की तरफ से जो आईपीएल ऑक्शन को लेकर पहला बड़ा अपडेट आया है वो आया है आईपीएल ऑक्शन की डेट को लेकर। दरअसल आईपीएल 2020 का ऑक्शन दिसंबर में होगा, इस बात की बीसीसीआई ने कंफर्मेशन दे दी है। यानी ये बात अब कंफर्म्ड हो गई कि हमें आईपीएल 2020 की नीलामी दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगी। वही इसके अलावा अगर हम बात करें डेट की, तो बीसीसीआई ने कोई भी कन्फर्मेशन डेट अब तक नहीं बताई है। लेकिन टाइम्स नाउ के एक आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 18 दिसंबर को आईपीएल 2020 इसकी नीलामी हो सकती है, लगभग 18 दिसंबर को हो सकती है। इसकी कोई कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन 15 से लेके 20-25 दिसंबर के बीच कभी भी आईपीएल 2020 की ऑक्शन हमें देखने को मिलेगी। वही इसके बाद बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, तो बीसीसीआई ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि आईपीएल 2020 के सीजन में हमें कोई भी मेगा ऑक्शन नहीं देखने को मिलेगा। एक बार फिर आईपीएल 2019 की तरह इस सीजन भी मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार काफी अधिक प्लेयर ऑक्शन में आएंगे क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए काफ़ी सारे प्लेयर्स ने अपने नाम आईपीएल से विड्रॉ कर लिए थे। वो सारे प्लेयर्स इस बार आईपीएल ऑक्शन में आएंगे, यानी भले ही ये सीजन मिनी ऑक्शन हो लेकिन काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स फिर भी इस ऑक्शन में आने वाले हैं। वही इसके बाद बात करते हैं तीसरे बड़े अपडेट की, तो पिछले आईपीएल ऑक्शन में सारी टीमों के पर्स में 82 करोड़ रुपये थे, लेकिन बीसीसीआई ने इस बार सारी टीमों के पर्स मनी बढ़ा दिए है और 82 से 86 करोड़ रुपये कर दिए है। यानी आईपीएल 2020 की नीलामी में सारी टीमों के पास 86 करोड़ रुपए होंगे एक 25 मेंबर की टीम बनाने के लिए, और इसी पैसों में से सारी टीमें बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदेगी। यानी अब प्लेयर्स पर काफी बड़ी बोली लगने वाली है क्योंकि टीमों के पास अमाउंट अधिक आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक आईपीएल ऑक्शन को लेकर सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को जरूर करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।